आज मैं आपको कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ, वो भी डीप गले के साथ। और गले के हिसाब से कैसे आपको शोल्डर कंट्रोल करना है और आप अपनी पसंद के अनुसार गले को डीप रख सकते हैं, इस सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए और सीखिए, जिससे आप अपनी पसंद की कुर्ती में गले को डीप बना सकते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेंगे। कपड़े को हमने सीधी साइड से फैला दिया है। 1.5 मीटर इसकी लंबाई है और 42 इंच का इसका अर्ज है। इस तरह आपको कपड़े को फैलाकर रखना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका कपड़ा नॉर्मली है या प्लेन है तो आप 1.5 मीटर के कपड़े में मीडियम से लार्ज साइज तक भी कुर्ती को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आपको बॉडी से नाप लेना है और उसे लिख कर रखना है, जैसे मैंने लिख कर रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने कौन कौन से नाप लिए हैं और कौन सा नाप लेना आप भूल गए हैं। इसलिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसी के हिसाब से नाप लीजिए, जिससे आपकी कुर्ती बिल्कुल आपकी फिटिंग से बनकर कंप्लीट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मैं कुर्ती बना रही हूँ 36 की साइज की, तो आपको कपड़ा कैसे निकालना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे 36 की साइज की कुर्ती बनाना है तो उसका हाफ करना है, तो ये आया 18 इंच, 36 का आधा 18 इंच हुआ। और यहाँ पर 4 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे कपड़े को और एक निशान लगा लेंगे। इस तरह आपको कपड़े को निकालना है, जिससे कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और आसानी से आपको साइज के हिसाब से मिल जाएगा। अब इसी लाइन से हम कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे। इस तरह बस पकड़ना है और इसको पलट देना है और अच्छे से मिला लेंगे। तो साइज के हिसाब से कपड़े को हमने डबल कर दिया है और इसे अपनी साइड रख लिया है। अब इस कपड़े को पकड़ेंगे और एक बार फोल्ड और कर देंगे, तो ये कपड़ा हो गया है अब 4 लेयर में। तो इस तरह आपको अच्छे से मिलाकर इसे 4 लेयर में रखना है। तो एक बार आप फिर ध्यान से देखिए कि कपड़ा 4 लेयर में है, 1 लेयर, 2 लेयर और डबल लेयर ये है जो अभी खुल जाएगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ऊपर के किनार का कपड़ा होता है उसे काट कर निकाल देना है। इसे कड़क कपड़े को हम नहीं रखेंगे, तो इस तरह आपको सीधा करते हुए कपड़े को निकाल लेना है। तो अब उठाएंगे हम इंची टेप को और आधा इंच ऊपर की साइड छोड़ते हुए इंची टेप को मिलाकर इस तरह आपको रख देना है। अब जितनी भी आपकी कुर्ती की लंबाई है उसका निशान लगा लीजिए, जैसे कि मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 37 इंच, तो यहाँ पर फिक्स निशान लगा दिया 37 इंच का। और 1.5 इंच यहाँ पर नीचे के लिए मार्जिन ले लेंगे, तो ये निशान 1.5 इंच पर बढ़ाकर लगा दिया। अब इस निशान को सीधा करेंगे, तो ये हो गया फिक्स और ये हो गया मार्जिन, ठीक है। यहाँ पर आधा इंच का इस तरह आप देख सकते हो कि ये हो गया आधा इंच ऊपर का मार्जिन। उसके बाद इंची टेप को इसी तरह रखिए और जो भी लंबाई के निशान है उनको लगाते जाइए। जैसे पहला निशान हो गया आर्म होल का, तो ये निशान लगा दिया मैंने 5.5 इंच पर। अगर ऊपर का मार्जिन को आप देखेंगे तो पूरा मिलाकर होता है 6 इंच और मीडियम साइज में आर्म होल 6 से 6.5 इंच तक ही आता है, ठीक है। अब दूसरा निशान लगाना है ऊपर से कमर की लंबाई का, तो ये निशान आ गया 14 इंच पर। और तीसरा निशान रहेगा जहां से चाक खोलते हैं, तो ये निशान लगा दिए हमने 20 इंच पर। तो इसी तरह आपको अपनी साइज के हिसाब से लगाते जाना है। तो जैसे मैंने ये 14 इंच पर लगाया है, तो मीडियम साइज में आप 14 से 15 इंच तक रख सकते हैं। और ये मैंने जो 20 इंच पर लगाया है, ये भी निशान ज्यादातर 20 से 21 इंच तक ही आता है, तो इस तरह भी आप रख सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इंची टेप को इस तरह कर देना है और यहाँ पर जो भी शोल्डर का नाप आता है उसका फुल रखना है। पहले आपको फुल रखना है, जो भी आप बॉडी से नाप लेते हैं उसका पहले निशान लगा लीजिए। जैसे कि इसमें शोल्डर है 14 इंच का, तो 14 का हाफ रखेंगे यहाँ पर 7 इंच और ये रख दिया आधा इंच का मार्जिन, तो ये निशान बढ़ाकर आपको लगा देना है। तो शोल्डर का आपको हाफ रखना है और आधा इंच यहाँ पर मार्जिन बढ़ाकर लेना है। उसके बाद इन निशानों को हम सीधा कर देंगे, जिससे निशान आपको क्लियर दिखेंगे, ठीक है। इस तरह इनको सीधा करते जाइए। इन निशानों को सीधा करने के बाद अब आपको शोल्डर में ध्यान देना है। तो जैसे कि शोल्डर यहाँ पर फुल रखा है, ठीक है, अभी जो बॉडी से नाप आता है उसका हमने निशान लगा दिया है, लेकिन आप गले को कितना डीप रख रहे हैं पहले एक बार अच्छे से ध्यान से आप नाप में देख लीजिए कि आप गले को कितना इंच लंबा रख रहे हैं। तो जैसे कि मुझे पीछे का गला डीप रखना है 9 इंच का, ठीक है,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 9 इंच का आधा करना है। जैसे गला है 9 इंच का, तो उसका हाफ करेंगे इस तरह, तो ये आएगा 4.5 इंच। तो यहाँ पर शोल्डर 4.5 इंच कम हो जाएगा। तो ये कपड़ा 4 लेयर में रखा है, तो इंची टेप को हम 4 लेयर में कर देंगे इस तरह। अब यहाँ पे जितना भी आता है उसके हिसाब से आपको शोल्डर कम करना है। तो ये निशान लगा दिया हमने इस तरह, गले के हिसाब से शोल्डर को आपको इस तरह कम करना है, तभी आपका सूट परफेक्ट फिटिंग से आएगा। नहीं तो पूरी फिटिंग शोल्डर से ही खराब हो जाती है। अगर आपने फुल शोल्डर रख दिया और गले की लंबाई है जो 8 या 9 इंच रख दी, तो यहाँ से बिगड़ ही जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको शोल्डर कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर शोल्डर आप गले के हिसाब से कंट्रोल करते हैं तो सूट आपका परफेक्ट बनेगा और शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब इस निशान को सीधा कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्जिन आपने यहाँ पर ले लिया था। तो एक बार ही आपको मार्जिन लेना है, उसके बाद शोल्डर जो भी कम होता है उसको करते जाइए, फिर आपको मार्जिन नहीं लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको सीना का चौथाई भाग का निशान लगाना है। तो जैसे कि मैं इसे 36 की साइज का बना रही हूँ, तो ये निशान लगा दिया 9 इंच पर, और आधा इंच इसमें लूजिंग बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 9.5 इंच पर, और 1.5 इंच का इसका मार्जिन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कमर का चौथाई भाग रखना है। तो जैसे कि कमर की साइज है इसमें 28 इंच, 28 का चौथाई भाग होता है 7 इंच, और आधा इंच इसमें भी लूजिंग बढ़ाना है। तो ये निशान लगा दिया हमने 7.5 इंच पर। अब यहाँ पर नाप रखेंगे हम हिप साइज का चौथाई भाग। तो जैसे कि इसमें हिप साइज है 37 इंच, 37 का चौथाई भाग होता है 9.25 इंच, और इसमें भी आपको आधा इंच लूजिंग बढ़ा देना है इस तरह। अब इन निशानों को मिला देंगे, यहाँ पर इस तरह गोलाई बना दीजिए, और इधर से मार्जिन बढ़ाते हुए इस तरह निशान लगा लेना है। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। पहले इस निशान को सीधा करेंगे, तो इस तरह आपको इन निशानों को पूरा करना है। निशानों को लगाने के बाद अब आपको आर्म होल में ध्यान देना है कि 1 इंच पर यहाँ पर गुलाई देना है। इस तरह गुलाई बना दीजिए। गुलाई बनाने के बाद अब आपको गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि गले की साइज डीप है, तो यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच, 2.5 इंच में ये कंप्लीट होगा, और यहाँ पर लंबाई रखेंगे 6.5 इंच की, तो ये 6 इंच में तैयार रहेगा, और यहाँ पर रख देंगे 2.5 इंच। तो ये हो गया है आगे का गला, और इसमें गुलाई दे देंगे। अब हमें पीछे की गले का भी निशान लगाना है। तो इधर से ही आपको गले की लंबाई रखना है। तो जैसे कि बनकर ये गला तैयार होगा 9 इंच में, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर, यहाँ पर भी 2.5 इंच आपको फिक्स रखना है। तो ये निशान लगा दिए हमने 9.5 इंच पर, तो आधा इंच रह गई ऊपर का मार्जिन, और 9 इंच में कंप्लीट बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इस निशान को इससे मिला देंगे इस तरह, और इसमें गुलाई दे देंगे। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की बात है कि कटिंग करने से पहले ही आपको शोल्डर को कम कर लेना है, और शोल्डर कटिंग करते समय आपको ये नहीं सोचना है कि पीछे का गला डीप है तो इसलिए हमें आगे का शोल्डर कम करना है या नहीं। शोल्डर दोनों आगे और पीछे के बराबर ही रहते हैं, इसलिए आपको शोल्डर इस तरह कम करना है जिससे आगे और पीछे के जो पार्ट हैं वो बिल्कुल बराबर से रहे। अब यहाँ पर थोड़ा सा झुकाव कर दीजिए, यहाँ पर ज्यादा झुकाव नहीं किया जाता है, हल्का सा झुकाव देना है, ठीक है। अब आपको पीछे के आर्म होल को आधा इंच बढ़ाते हुए निशान लगा लेना है। यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए कि पीछे का जो आर्म होल है वो हमने आधा इंच बढ़ा दिया है, लेकिन इधर जो शोल्डर का नाप है वो बिल्कुल बराबर से ही रहेगा, जिससे पार्ट आपका जोड़ते समय छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह आपको सारे निशान लगाना है। तो अब कटिंग करते समय आपको ध्यान देना है कि आगे के गले से कटिंग करना है, ऐसा नहीं करना है आपको कि पीछे के गले से कटिंग करें, क्योंकि एक साथ ही आगे और पीछे के पार्ट निकल रहे हैं। तो इस तरह आपको इसकी कटिंग करके निकाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक पार्ट को अलग करना है।
इसके एक पार्ट को निकाल लेंगे। तो ये हो गया है आगे का पार्ट। तो इसमें हमें सिर्फ आर्म होल की सेटिंग करना है। इस तरह आपको आधा इंच आर्म होल की सेटिंग कर देना है। अब उठाएंगे हम पीछे के पार्ट को। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाकर रख दिया और बराबर से मिलाकर रख देंगे इस तरह। अब जो निशान इस पर लगा है उसी निशान को आपको इस साइड ले लेना है। यहाँ पर आप नाप कर भी चेक कर सकते हैं इस तरह कि 2.5 इंच ही रहे, ज्यादा आपको चौड़ाई नहीं बढ़ाना है और बस इस तरह मिला लीजिए। इस तरह काट कर निकाल दीजिए। तो ये हो गया पीछे का पार्ट। अब इस पार्ट को हम अलग रख देंगे। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर आस्तीन की आपकी जो भी गोलाई है उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पर चेक करना है, जिससे सीना के ऊपरी भाग में भी फिटिंग आ जाती है। तो इस तरह आप चेक कर लीजिए कि आधा इंच तो ही चला जाएगा सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर आपको आस्तीन की गोलाई कितना रखना है जो भी आपके नाप में आती है उसको चेक करिए इस तरह। जैसे कि मुझे आस्तीन की गोलाई रखना है 17 इंच। तो इस तरह चेक करते हुए आपको देखना है। तो ये हो गई है 17 इंच। 8.5 का डबल होगा 17 इंच। तो ये निशान लगा दिए हमने 17 इंच पर। अब यहाँ पर जितना भी आर्म होल की साइज बढ़ती है उसे आप इस तरह कर दीजिए, जिससे सीना के ऊपरी भाग में फिटिंग आ जाएगी और आर्म होल में फूलन नहीं आएगी। तो ये निशान आपको 3 इंच तक ले जाना है, 2.5 से 3 इंच तक ही आता है। इस तरह यहाँ पे गुलाई दे देंगे। तो इससे सीना के ऊपरी भाग में फिटिंग भी आ जाएगी और आर्म होल में बिल्कुल भी फूलन नहीं आएगी। इसे हम साइड से रख देंगे और बचे हुए कपड़े को 4 लेयर में रखेंगे। अच्छे से मिलाते हुए इसे 4 लेयर में रख लीजिए। अब कपड़े को सीधा करना है तो सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लीजिए इस तरह। कपड़े को सीधा करने के बाद अब आपको देखना है कि आस्तीन की लंबाई आपको कितना पसंद है, उसी के हिसाब से आप निशान लगाइए। तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 10 इंच का, तो यहाँ पर लंबाई रखेंगे 10.5 इंच। तो 1/2 इंच हो जाएगा ऊपर का मार्जिन और नीचे के लिए इसमें मार्जिन नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरी पट्टी को ज्वाइंट कर देंगे, जिससे एक सुंदर लुक भी आ जाएगा और आस्तीन की लंबाई फिक्स हो जाएगी। तो इसे पहले सीधा कर लेते हैं काट। तो ऊपर से ही अब 10.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे। तो इसी निशान से निशान लगा दिया है और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और इसको सीधा कर देंगे। अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है कि आस्तीन की मोहरी जितनी है उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है। तो जैसे कि इसमें मोहरी है 11 इंच, 11 का हाफ रखेंगे 5.5 इंच। अब आपको यहाँ पर आस्तीन की गुलाई को रखना है और एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे आप इस तरह गुलाई को चेक करिए। पहले निशान ऊपर की साइड हम 2.5 इंच पर लगा देंगे। अब 2.5 इंच से ही इसकी इस तरह गुलाई जाती है। तो इस तरह आप गुलाई को चेक कर लीजिए। जो भी आस्तीन की साइज है उसको आपको देखना है। तो यहाँ पे फिक्स हो रहा है तो यहाँ पे मार्जिन के लिए कपड़े को हम और बढ़ा लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा और बढ़ा लिया। अब इस लाइन को इससे मिला दिया। अब एक बार मिलाते हुए आपको फिर चेक करना है इस तरह। तो ये अब फिक्स आ गया है। इस तरह आप निशान लगा लीजिए और ये हो जाएगा एक्स्ट्रा मार्जिन। तो यहाँ पे आपको फिर चेक करना है और निशान लगाना है। जैसे कपड़े को अगर बढ़ा दिया है तो यहाँ पर भी सेटिंग बिगड़ जाएगी। तो इस तरह निशान लगा दिया और यहाँ पर ही मार्जिन ले लिया। अब इस निशान को इससे मिला देंगे इस तरह। इसको थोड़ा सा घुमाव करते हुए आपको इस तरह मिलाना है, जिससे यहाँ पर ही ज्यादा लूज नहीं रहेगा। अब हम इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह आपको आस्तीनों की कटिंग करके निकाल लेना है। उसके बाद 2 आस्तीन को पकड़ना है और इसको पलट देना है। अब यहां से आपको एक साइड इसमें गहराई देना है।
इस तरह गहराई बना दीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। ये गहराई 1.25 इंच तक ही आती है, मीडियम साइज में आपको ये गहराई 1.25 इंच पर ही रखना है। अब आपको बचे हुए कपड़े से कुछ तिरछी पट्टियां निकालना है जिससे गले को तैयार करेंगे, और आप चाहें तो सिल्वर के कपड़े को भी यूज कर सकते हैं जिससे आपकी कुर्ती में एक सुंदर लुक भी आ जाएगा और ये उभर कर भी दिखेगा। तो ये निकाल ली है हमने सिल्वर से कुछ पट्टियां हैं, तो ये रेड कलर की पाइपिंग इसमें बहुत सुंदर लगेगी और इसकी लगाएंगे आस्तीनों में पट्टियां हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से डीप नेक कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। बस आपको इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब आप गले की साइज को बढ़ाते हैं तो शोल्डर को कम कर दीजिए। जैसे ही आप शोल्डर को कम करेंगे आपकी कुर्ती की फिटिंग सही आ जाएगी, और अगर आपने फुल शोल्डर रख दिया और गले को डीप बना दिया तो फिर आपका शोल्डर गिरेगा ही और कुर्ती में अच्छी फिटिंग नहीं दिखेगी और कुर्ती की सुंदरता खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको बस थोड़ी सी बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप गले को बढ़ा रहे हैं तो शोल्डर को कम करते जाइए। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो पर लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए तो आगे के पार्ट से हम सिलना शुरू करेंगे। तो आगे के पार्ट को आपको सीधा रखना है और पीछे के पार्ट को उल्टा रखना है, बस मिलाकर रखना है और आधा इंच के हिसाब से एक शोल्डर में पहले सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे हम आधा इंच की सिलाई लगा देंगे इस तरह। तो अभी सिलाई आपको एक शोल्डर पर डालना है, गला बनाने के बाद हम दूसरे शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह आपको एक शोल्डर में आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालना है और दूसरे को भी छोड़ देना है। अब उठाएंगे हम तिरछी पट्टियां हैं। आपको तिरछी पट्टी लेना है और इसे काट के सीधा कर लेना है। अब एक पट्टी को सीधा रखिए और दूसरी पट्टी को उल्टा रखिए। इस तरह आपको मिलाकर रखना है और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सिलाई डाल देना है। मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए जिससे आपकी सीधी पट्टी ज्वाइंट हो जाएगी। इस तरह आपको सीधी सिलाई इसमें डाल देना है। अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ना है और बाकी कपड़े को काट कर निकाल लेना है। इस तरह आपको काट देना है। अब ये पट्टी आपकी सीधी जुड़कर तैयार हो गई है। इस मार्जिन के कपड़े को आपको दोनों साइड करना है और बीच में अच्छे से अंगूठे से दबा देना है। इस तरह नाखून लगा दीजिए। अब इस पट्टी को डबल फोल्ड करिए। तो पाइपिंग बनाना तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, वैसे ही आपको पाइपिंग बनाना है। इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और नाखून से दबा देंगे इस तरह। अब आपको इस पट्टी को पकड़ना है और एक साइड से इस तरह मिलाते हुए रखना है और 2 पॉइंट की सिलाई डालते जाना है। पट्टी को थोड़ा सा खींच कर पकड़िए, ये तिरछी पट्टी होती है तो ये बढ़ जाती है। इस तरह आपको पकड़ना है और 2 पॉइंट के हिसाब से इसमें सिलाई डालते जाना है। तो ये सिलाई आपको ज्यादा चौड़ी नहीं डालना है, सिर्फ 2 पॉइंट की रखना है। इस तरह आपको पट्टी लगाकर इसे तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन को थोड़ा थोड़ा काट कर निकालना है। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा मार्जिन की सेटिंग कर लीजिए जिससे आपकी पाइपिंग बहुत पतली और फिनिशिंग से बनकर तैयार होगी। इस तरह आपको इसकी सेटिंग करना है। सेटिंग करने के बाद तो इस कपड़े को आपको अच्छे से इस मार्जिन के ऊपर इस तरह दबाना है। कपड़े को अच्छे से दबा दीजिए और इस मार्जिन को इस कपड़े के अंदर भर दीजिए और यहाँ पर आपकी पतली पाइपिंग बन जाएगी। इस तरह आपको पाइपिंग पकड़ना है और पाइपिंग के नीचे नीचे सिलाई चलाते जाना है। अब आप जितनी पतली पाइपिंग बनाना चाहें अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। बस आपको इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि सिलाई आपको पाइपिंग के नीचे चलाना है। इस तरह आपको गले में गुलाई से पाइपिंग बनाना है जिससे आपकी पाइपिंग बहुत फिनिशिंग से बनकर तैयार हो जाएगी और गला आपका एकदम चिपक कर बैठेगा। अब आपको इसे पलटना है और दूसरे शोल्डर का जॉइंट लगाना है। तो इसको पलट कर रखिए और आधा इंच के हिसाब से यहाँ पर मिलाते हुए इसका जॉइंट लगा दीजिए।
आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला देंगे। तो इस तरह आपको आधा इंच के हिसाब से शोल्डर में सिलाई डालना है और पाइपिंग को इस तरह पकड़ते हुए आपको आगे से सिलाई डालना है, जिससे ये जॉइंट है जो वो पीछे की साइड रहेगा और ये कंधे से नहीं टकराएगा, ठीक है। इस तरह आपको इसके ऊपर फिनिशिंग से सिलाई डाल देना है। तो शोल्डर की सिलाई को डालने के बाद अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई डालेंगे और इसमें गोल आस्तीन चढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है कि इस फिटिंग के निशान को थोड़ा डार्क करना है इस तरह। तो जैसे हमने फिटिंग का निशान लगाया था उसी तरह आपको डार्क कर देना है उसी निशान के ऊपर। अब इस निशान को आपको इस साइड पलटना है, तो अच्छे से मिलाकर पकड़िए और इसको पलट दीजिए इस तरह। अब ये आसानी से आपको निशान दूसरी साइड मिल जाएगा और अच्छे से दबा दीजिए इस तरह। तो देखिए ये निशान इस साइड भी आ गया है। अब आपको इस निशान को डार्क कर देना है और इसी के ऊपर सिलाई चलाना है। तो बस इसी निशान के ऊपर हम सिलाई चला देंगे। तो फिटिंग के निशान पर ही हमने सिलाई चला दी है। तो ये हो गई है फिटिंग की सिलाई। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर चाक बनाना है। जो भी ये मार्जिन का कपड़ा है इस सिलाई से उसको इस तरह फोल्ड कर लीजिए। दोनों साइड से आपको फोल्ड करना है बिल्कुल बराबर से। और यहाँ पर पहले आपको आधे कपड़े को अंदर की साइड ले जाना है और इसको फिर पलट देना है इस तरह। आधा इंच के हिसाब से यहाँ पर सिलाई डालेंगे। तो ये सिलाई आपकी किनारे से चलेगी, तो मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो आप अच्छे से ध्यान से समझिए कि इस कपड़े को आपको बराबर से फोल्ड करना है और पहले आधे कपड़े को फोल्ड करेंगे अंदर की साइड। इस तरह बीच से पकड़ा और इसको पलट दिया। अब आपको सिलाई इसके किनारे से ले जाना है और इधर से टर्न करते हुए नीचे तक पूरी कंप्लीट करना है, ठीक है। एक साइड से शुरू करेंगे और एक बार में इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह आपको एक बार में ही पूरे चाक को बनाकर कंप्लीट करना है। और जब आप सिलाई डालते हुए नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ी सी मशीन को रिवर्स करना है और पीछे की साइड इसमें टांकी बांध देना है। टांकी बांधने से आपको दूसरी सिलाई डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिससे चाक आपके फिनिशिंग से कंप्लीट हो जाएंगे। अब चाक को तैयार करने के बाद हम इसमें ज्वाइंट करेंगे आस्तीनों को। तो ये उठा ली हमने दोनों आस्तीनों को। आस्तीन को एक को आपको सीधा रखना है, इस तरह सीधा रखिए और एक पट्टी उठा लीजिए और पट्टी को इसके ऊपर मिलाकर उल्टी साइड से रखिए। मिलाते हुए आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है और इसको पलट देना है इस तरह, जिससे यहाँ पर एक चौड़ी पाइपिंग बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह हमने आस्तीन में पट्टी लगाकर इसे तैयार कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसको पलटकर डबल फोल्ड करना है और इस निशान को डार्क कर देना है। इसी निशान के ऊपर हम सिलाई चला देंगे। तो आपको निशान पर ही सिलाई चलाते जाना है। तो निशान पर ही आपको सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद इसको पलटकर सीधा कर लीजिए। आपको दोनों आस्तीनें एक बार में तैयार करके रखना है। उसके बाद आपको इस तरह रखना है कि जिससे गहराई वाली साइड दोनों आमने सामने हो। इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और जो गहराई वाली साइड है वो आगे के पार्ट में ही आएगी, ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, ठीक है। जब आप इस तरह रखेंगे तो गहराई वाली साइड आगे के पार्ट में ही आती है। अब आपको आर्मोल और आस्तीन को एक बार नाप कर चेक करना है, जिससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कोई हमारा पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं है। इस तरह आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपकी आस्तीन बड़ी होती है तो आप अंदर से सिलाई को डालकर कम भी कर सकते हो। अब आपको अंदर से हाथ ले जाना है और इस सिलाई को पकड़ लेना है। ये जो साइड वाली सिलाई है उसे पकड़ना है और इस आस्तीन की सिलाई को पकड़ना है इस तरह, और इसके ऊपर इसे पलट देना है इस तरह।
अब आपको बीच सेंटर में पिन लगा लेना है। पिन लगाने से ये सेंटर में ही रहेगी। एक पिन यहाँ पर लगा लीजिए, सिलाई के पास लगा लीजिए एक पिन, और एक पिन लगा लीजिए शोल्डर की सिलाई के पास, जिससे आस्तीन का सेंटर बिल्कुल फिक्स रहेगा और आपको सिलाई डालने में आसानी होगी। तो बस अब आपको अच्छे से पकड़कर इसे रखना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमाते जाना है। मिलाते जाइए और सिलाई घुमाते जाइए। तो इस तरह आपको गुलाई से सिलाई को घुमाते हुए इसे कंप्लीट करना है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर आस्तीन बनकर कंप्लीट हो जाती है, और ये आस्तीन एकदम गुलाई से रहती है। इसकी फिटिंग बहुत सुंदर आती है और ये आस्तीन बिल्कुल उभर कर देखेगी, कहीं पर भी इसका खिंचाव नहीं रहेगा। तो इस तरह आप बहुत आसानी से आस्तीन को लगाकर तैयार कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि सेम आइडिया से दूसरी आस्तीन को भी फिट करना है, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो एक बार आप फिर ध्यान से देखिए कि इस सिलाई को सिलाई से मिलाना है और अंदर से हाथ ले जाते हुए आपको पकड़ लेना है, पर इसको पलट देना है इस तरह, और बस मिलाकर पकड़िए और सेंटर में एक पिन लगा कर रखिए और घुमाते हुए सिलाई डाल दीजिए। सेम आइडिया से हमने दूसरी आस्तीन को भी बनाकर तैयार कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर और कितनी जल्दी कुर्ती बनकर कंप्लीट हो गई है। इस तरह आप डीप नेक के साथ कुर्ती को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।